नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। आज टॉपिक का नाम है फॉक डांस, ठीक है। मेमोरी ट्रेनिंग का ही पार्ट ये भी है। फॉक डांस में हम सीखेंगे कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से फॉक डांस होते हैं, ठीक है। मैंने मैक्सिमम बहुत ज्यादा कवर करने की कोशिश की और लगभग सारे मैंने जितने भी फॉक डांस है सबके सब मैंने कवर किए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए उन ट्रिकों को हम समझते हैं कि कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे एक सिंगल लाइन में हम क्या कर सकते हैं, चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने सिर्फ चार लिखे हुए हैं, ये चार मैं पोस्ट करूंगा, आप देखेंगे इनको और मुझे बताएंगे कि इनकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या आपको चीजें समझ में आ रही है। अगर नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं न्यू ट्रिक भी बता सकता हूँ, बट ये ट्रिक मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ट्रिक है, ठीक है। अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो आगे मैं कंटिन्यू करके पूरे के पूरे स्टेट का मैं इसमें आपको याद करा के दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और एक बार अगर आपने ये वीडियो देखा, दो से तीन बार वीडियो देखा, सच बता रहा हूँ ये पूरे के पूरे आपको बाहर हो जाएंगे, मेमोराइज हो जाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी ट्रिक में बताया हुआ है कि मैं दो वर्ड को कनेक्ट करके बताता हूँ, ना कि मैं एक वर्ड से बताता हूँ, क्योंकि आप देखो और भी जितने वीडियो हैं आप क्या करते हो इसकी स्टोरी बना के याद कर लेते हो, बट अगर आंध्र प्रदेश का पूछा जाता तो आपको स्टोरी ही नहीं याद आती है, आपको उसकी स्टोरी ही नहीं याद आती है कि वो स्टोरी क्या थी, ये किसका है, ये स्टोरी किस क्षेत्र का है, किस जिले मतलब किस स्टेट का है, तो वो भी मैं यहाँ पे सॉल्व करा के देता हूँ। आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चार दिए हुए, पहले आज चार देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट अगले दिन फिर छह सात आठ तक देख लेंगे। आइए पहले उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, गुजरात और हरियाणा देखते हैं। तो अभी आप स्टेबल हो जाइए और इमेजिन करने के लिए तैयार हो जाइए, फटाफट इमेजिन करनी है, फटाफट स्टोरी बनानी है चीजों की, तब जाके चीजें आपको याद रहने वाली है, ठीक है। जितना ज्यादा मेमोरी, जितनी ज्यादा आप इमेजिन करके उस स्टोरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतनी ज्यादा चीजें आपको मेमोराइज होंगी जल्दी जल्दी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो होता है छोरा नृत्य, कजरी, रासलीला, जैता, नौटंकी, चापेली, ठीक है, चापेली। अब इसको किस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको रीड करने जाएंगे छोरा कजरी रासलीला जैता नौटंकी चापेली तो हमको ये मेमोराइज नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे एक ट्रिक मैं बताने वाला हूँ किस तरह से, देखिए अभी आप बता रहे हैं अभी नहीं याद हो रहा, बट जैसे ट्रिक बताऊंगा वैसे आपको याद हो जाएगा। आइए हम इन चीजों को स्टोरी बना लेते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को मैंने हमेशा राइट हैंड बोला है, ठीक है, राइट हैंड। तो जो भारत का राइट हैंड है, जो भारत का राइट हैंड है वो एक लड़का है, ठीक है, वो क्या है, एक लड़का है। अब जब आप उत्तर प्रदेश देखेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश राइट हैंड याद आएगा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश को राइट हैंड से बताया था। तो राइट हैंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश इंडिया का राइट हैंड है। तो यहाँ पे अब वो राइट हैंड एक लड़का है, छोरा है, क्या है, छोरा है। तो आप इतना समझ गए आपको कि उत्तर प्रदेश देखा तो छोरा याद आना चाहिए। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो छोरा, ठीक है, छोरा कजरी के साथ, छोरा कजरी के साथ रासलीला कर रहा है, ठीक है। छोरा क्या कर रहा है, ये छोरा कजरी के साथ रासलीला करके आ रहा है। आप घर पे बैठे हो, ठीक है, अब इमेजिन करिए आप घर पे बैठे हो, आप एक पिता हो, ठीक है, या तो आपके पापा हैं घर पे बैठे, आप बाहर से कहीं से आ रहे हो और आप घर पे जैसे एंट्री करते हो आपके पापा बोलते हैं कि ये छोरा, आप इमेजिन करिए कि आपके पापा आपको बोल रहे हैं कि ये छोरा कजरी के साथ, क्योंकि आपके पापा ने आपको देख लिया था कजरी के साथ में, तो बोलते हैं कि ये छोरा कजरी के साथ रासलीला करके आ रहा है, रासलीला करके आ रहा है। तो अब आप पूछते हो पापा से आपको कैसे पता, ठीक है, आपको कैसे पता, सीधी सी बात है, आप पूछेंगे कि आपको कैसे पता, क्योंकि आप तो चोरी छुपे गए थे, तो आपने पूछा कि आपको कैसे पता, तो उन्होंने बोला कि तेरा हाल देख के, तेरा हाल देख के, फिर बोला कैसे हाल देख के, क्योंकि तुझे जूते पड़े हैं, क्या पड़े हैं, जूते, तुझे जूते पड़े हैं, इस तरीके से उनको पता चलता है, क्यों, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा जूते पड़े होते हैं, रासलीला करके आ रहता है और जूते पड़े होते हैं, तो उनको क्या बोला गया, क्योंकि तुझे बहुत जूते पड़े हैं। इतना बोलने के बाद पिताजी बोलते हैं चल अब नौटंकी बंद कर, क्या बोला कि चल अब नौटंकी बंद कर और जा चाय पी ले, क्या बोला कि अब नौटंकी बंद कर और जा चाय पी ले, ऐसे आपके पिताजी ने बोला, ठीक है। तो अब देखिए छोरा कजरी के साथ रासलीला करके आ रहा है, ऐसा आपके पिताजी ने बोला कि छोरा कजरी के साथ रासलीला करके आ रहा है, तेरे आपने बोला आपको कैसे पता, तेरा हाल देख के, तुझे जूते पड़े हैं, क्या पड़े हैं, जूते, जूते से तेजा, आपको जूते, तुझे जूते पड़े हैं, अब नौटंकी बंद कर और जा चाय पी ले, चाय पी ले से चापेली, और छोरा से छोरा कजरी के साथ रासलीला करके आ रहा है, तुम्हें कैसे पता, तुझे जूते पड़े हैं ये देखकर, तुझे जूते पड़े हैं ये देखकर, चल अब नौटंकी बंद कर और जा चाय पी ले,
ठीक है। तो अब देखिए चीजें कितनी ज्यादा आसान हो गई और ये एक लाइन में आपको याद हो गया, ठीक है। अगर ये स्टोरी आपको याद है तो स्टोरी आप रिवाइज करिए, चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी, क्योंकि मैं ज्यादा चेंज भी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे छोरा है, छोरा से वही कजरी भी है, रासलीला तो तीन तो उसी के नाम पे रखे गए हैं, जूता से जैता, नौटंकी चापेली, चाय पीले, जैसे आप चाय पीले बोल देंगे तुरंत आपको चापेली याद आ जाएगा, इसलिए मैंने ज्यादा वर्ड को चेंज नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को हम किससे इंडिकेट करते हैं, अंधा आदमी से, ठीक है, किससे, अंधा आदमी से। अब देखिए अब किससे, अब मैं जब भी आंध्र प्रदेश याद करता हूँ तो मुझे अंधा याद आता है, जैसे मैं आंध्र प्रदेश सुनता हूँ तो मुझे अंधा आदमी याद आता है, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में सारी चीजें बताई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले प्रीवियस वीडियो देखिए। अंधा आंध्र प्रदेश को हम किससे इंडिकेट करते हैं, अंधे आदमी से। तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि एक अंधा आदमी गया है होटल में खाना खाने, ठीक है, गया था होटल में खाना खाने, अब जब अंधा है वो तो उसके सामने उसने बासी खाना रख दिया, क्या रख दिया, बासी खाना रख दिया। अब जैसे उसने बासी खाना को खाया उसने पूरे खाने को फेंक दिया, क्या क्या उसने पूरे खाने को अंधे आदमी ने फेंक दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि कच्ची पूड़ी, क्या बोला, कच्ची पूड़ी दी है, उसने पहले बोला कि इसने मुझे कच्ची पूड़ी दी है और घंटा भर दाल, घंटा भर दाल, ठीक है, जितनी ज्यादा कॉमेडी भेजी उतनी ज्यादा चीजें याद रहेंगी। तो आपने बोला, उसने बोला कि उसने खाना फेंकने के बाद बोला कि कच्ची पूड़ी और इसने मुझे कच्ची पूड़ी दी और घंटा भर दाल, मतलब बहुत कम दाल दिया था उसको, घंटा भर दाल दिया, घंटा भर दाल दिया और पूछा गया किसने दिया, वहां का मैनेजर आ पूछा किसने दिया, तो वो जो वहां की थी उसने, वो लेडीज थी, ठीक है, तो वेटर कहती लेडीज थी, तो वेटर को उसने आइटम बोल दिया, बोला कि इस आइटम ने, क्या बोला, इस आइटम ने दिया। जैसे उसने बोला कि इस आइटम ने दिया उसी दौरान उसने तुरंत बोला कि अब चल नाटक कम कर, मैंने पैसे दिए हुए, क्यों, क्योंकि उसको आइटम होने के बाद वो चिल्लाने लगी, वो लड़की क्या होने लगी, इनके ऊपर चिल्लाने लगी, तो उसने बोला कि नाटक कम कर, मैंने पैसे दिए हैं इस खाने के, ठीक है, ऐसा। तो अब चीजें कितनी ज्यादा आसान हो गई, देखिए एक अंधा आदमी जाता है होटल में खाना खाने, उसके सामने बासी खाना रख देते हैं, बासी खाना को क्या करता है, फेंक देता है और चिल्लाता है कि कच्ची पूड़ी और घंटा भर दाल दिया है इस आइटम ने, इस आइटम ने दिया, तो आइटम से आइटम, घंटा भर दाल, कच्ची पूड़ी से कुची पूड़ी, और फिर बोल, फिर वो जब चिल्लाने लगी तो आपने बोला कि चल नाटक कम कर, क्या बोला, नाटक कम कर, मैंने पैसे दिए हैं, ठीक है। तो देखिए आंध्र प्रदेश का भी इस तरीके से खत्म हो गया, कुची पूड़ी, घंटा भर दाल, आइटम है नाटक कम कर। अब अगला कौन सा है, गुजरात का, ठीक है, गुजरात में क्या है, गुजरात का क्या था, गुजारा रात, ठीक है। तो अब आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि गुजारा रात, गुजरात, गुजारा रात, गुजारा रात आप जाते हो घर से झूठ बोल के, ये झूठ बोल के जाते हो कि मैं जा रहा हूँ गरबा और डांडिया खेलने, क्योंकि उस समय रात ही, गुजरात से गुजरात रात, गुजारा रात, तो रात ही, तो आप घर पे बोलते हो कि मैं गरबा और डांडिया खेलने जा रहा हूँ, क्या बोलते हो, गरबा और डांडिया खेलने जा रहा हूँ। बट जब आप रिटर्न आते हो तो आपके पेरेंट्स, पिताजी ने आपको देख लिया रहता है रासलीला करते हुए, तो आप घर पे आते तो बोलते हैं कि गरबा डांडिया के बहाने, गरबा डांडिया के बहाने तू रासलीला करने जाता है, ठीक है, गरबा डांडिया के बहाने तू रासलीला करने जाता है जरूर। उसके साथ दो लोग थे, उसका फ्रेंड था टीपू, वो बहुत बिगड़ा वाला लड़का था, बहुत ज्यादा बिगड़ा था, ठीक है, उन्होंने बोला कि जरूर जुरून, ठीक है, जरूर टीपू, उसका नाम था टीपू, टीपू ने जरूर जुरून, जरूर से क्या हो जाएगा, जरूर जुरून, टीपू ने, तो टिप्पणी, जरूर टीपू ने इसके भाव बढ़ाए हैं, इसके भाव बढ़ाए हैं, जरूर टीपू ने इसके भाव बढ़ाए हैं, तो भाव बढ़ाए मतलब भाव ही, ठीक है, भाव ही, तो भाव बढ़ाए, गरबा डांडिया के बहाने तू रासलीला करना चाहता है जरूर जुरून टीपू, टिप्पणी ने इसके भाव बढ़ाए हैं। उसके बाजू में उसका फ्रेंड खड़ा रहता है, वो बहुत बिगड़ा रहता है, उसी को उसके पिताजी इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया गुजरात का, आइए हरियाणा के इसी समय देख लेते हैं, ठीक है। तो हरियाणा का क्या है, देखो गुगा, झूमर, जागोर, फाग, खोर, लून और डाफ, कितना डिफिकल्ट है, बट इसको देखो किस तरह से स्टोरी बना के मेमोराइज करते हैं, ठीक है। गुगा से गुंगा, गुगा से क्या करिए, गुंगा, गुंगा झूमर लेके भाग गया, गुंगा झूमर चोरी किया, गुंगा ने क्या किया, झूमर चोरी करके भाग गया, या चोरी वर्ड मत लगाए क्योंकि चोरी को आप बाद में सोचेंगे कि चोरी से कौन सा वर्ड था, इससे जितना ज्यादा लिमिटेड वर्ड होंगे उतना ज्यादा बेटर होगा। तो गुगा झूमर लेके भाग गया,
जैसे आपका झूमर था, ठीक है, तो आपने ऐसे बोला कि गूंगा झूमर लेके भाग गया, गूंगा एक गूंगा व्यक्ति था, गूंगा झूमर लेके भाग गया, अपने आप को बहुत जागीरदार समझता है, एक्चुअली वो बहुत अमीर रहता है, इसलिए बोला जा रहा है कि अपने आप को बहुत जागीरदार बोलता है और चोरी किया झूमर, तो इसके हिसाब से स्टोरी बनती है कि गूंगा झूमर लेके भाग गया, अपने आप को बहुत जागीरदार बोलता है, फिर आप गुस्से में बोलते हैं कि फागुन का महीना आने दे, फागुन का महीना आने दे, इसकी जमाखोरी, इसकी जितनी भी जमाखोरी है, जमाखोरी खोरी से खोर, तो आपने बोला कि फागुन का महीना आने दे, इसकी जितनी भी जमाखोरी है सब लूट कर, सब क्या करूंगा, लूट से लूर, तो सब लूट के डफली वाले को दे दूंगा, किसको दे दूंगा, डफली वाले को, क्योंकि उसके बाजू में डफली वाला आता है, बहुत ज्यादा गरीब रहता है, तो उसने बोला कि डफली वाले को दे दूंगा, तो गूंगा झूमर लेके भाग गया, अपने आप को बहुत जागीरदार समझता है, फागुन का महीना आने दे, इसकी सब जमाखोरी लूट से क्या हो जाएगा, लूट के डफली वाले को दे दूंगा, किसको दे दूंगा, डफली वाले को दे दूंगा, ठीक है। तो ये हो गए चार स्टेट के फॉक डांस, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, मैंने अपनी पूरी मेहनत की है, पूरी कोशिश की है इनको बनाने में, अगर आपको इसमें से कुछ डाउट है या कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है, और अगर चीजें अच्छी लग रही है यहाँ पे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि मुझसे कितने लोग जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, मेरा कितना वीडियो देखते हैं, उसी हिसाब से मैं अपने काम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के फॉक डांस को लेके, और इस तरह से मैं आपके पूरे के पूरे स्टेट में फॉक डांस को कवर करा दूंगा, एक समय आएगा कि आप कोई भी फॉक डांस भूलेंगे नहीं, इस चार को मैंने इसलिए लिया क्योंकि चार चार करके लेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी बेटर होगी, एक ही साथ में 12-13 लेके कुछ मतलब नहीं है, तो आप चार करिए ऐसे करके हम पूरे स्टेट को देख लेंगे, और ये बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इनके ऊपर बनते हैं और हमको फॉक डांस याद नहीं होते, सबसे बेटर ट्रिक यही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।